एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह से कहा है कि वे अपनी पार्टी पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। मिश्रा ने कहा, जिस बंदे ने पप्पू शब्द की उत्पत्ति की हो, जिसने कांग्रेस को मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम किया हो, उसको कांग्रेस पार्टी यदि प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो फिर कांग्रेसियों का ताली ठोकना तो बनता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आप तय मानिए, कमलनाथ जी एक भी पद नहीं छोड़ने वाले। बैठकों के दौर कांग्रेस में चाहे जितने हो जाएं। उन्होंने कहा, जिस बंदे ने पप्पू शब्द की उत्पत्ति की हो, जिसने कांग्रेस को मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम किया हो, उसको कांग्रेस पार्टी यदि प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो फिर कांग्रेसियों का ताली ठोकना तो बनता ही है। वैसे ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। मिश्रा ने कमलनाथ को लेकर कहा, जिस व्यक्ति ने स्वयं किसानों को लिखित में धोखा दिया हो, जो व्यक्ति चाहे बाढ़ हो चाहे सूखा हो, बल्लभ भवन के पांचवें माले से कभी नीचे नहीं उतरा हो, जब वे किसानों की बात करे तो हास्यास्पद लगता है। मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह यदि अपनी खुद की पार्टी पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होता। बैठकों के दौर तो अच्छी बात है, पर छोड़ेंगे एक भी बात नहीं। वो ये आप तय मान के चलना, कमलनाथ जी किसी पद को नहीं छोड़ने वाले। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है वैसे तो, लेकिन एक बात जरूर समझ में आई, जिस व्यक्ति ने पप्पू शब्द की उत्पत्ति की हो, जिसने कांग्रेस को मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम कहा हो, उस व्यक्ति को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाए तो ठोको ताली तो कहना पड़ेगी कांग्रेस के लोगों से कि अब तो ठोको ताली। जो बल्लभ भवन की पांचवी मंजिल से बाढ़ जब आई किसानों के लिए तब नहीं उतरे, सूखा पड़ा तो नहीं उतरे, वो किसानों की बात कर रहे हैं। आप हमसे सवाल करते हैं, वादाए अमल का हिसाब किसे दें? सवाल करने वाले खुद गलत हैं, जवाब किसे दें? गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, हमने कोरोना का दंश झेला है, कोई भी नहीं चाहता कि तीसरी लहर आए। कांग्रेस कैसी राजनीति कर रही है? और भी तो फोरम है राजनीति करने के लिए, लेकिन कांग्रेस है कि कभी मुर्दों से बात करती है तो कभी लाशों की गिनती कर राजनीति करती है। देखो, ये तीसरी लहर का शब्द का प्रयोग जिसने भी किया हो वो अच्छा नहीं है। कौन चाहता है कि तीसरी लहर आए? हमने पहली और दूसरी लहर की पीड़ा भोगी है, उसका दंश सहा है। राजनीति करने के लिए कांग्रेस को और भी तो फोरम है ना। कैसी राजनीति करती है, तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं? एक उनका नेता कब्रिस्तान में जाके मुर्दों से बात करने लगता है, कभी 1 लाख से ऊपर मौतें हो जाती हैं तो लाशों की राजनीति होती है। ये तरीका गलत है कांग्रेस का, मैं अच्छा नहीं मानता इसे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।